बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आपको जो टॉपिक सिखाने वाला हूँ वो दो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है। हम इसमें देखेंगे आज के अगर 3x3 ऑर्डर की यानी जिस वो मैट्रिसेस जिनकी 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हों उनका हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑलरेडी सी के हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। ओवर हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव लेट ए इज़ इक्वल टू दिस 2 -3 -5 -1 -4 -5 -1 -3 -4 एंड बी इज -1 -3 -5 -1 -3 -5 -1 -3 -3। देन फाइंड ए बी। अगर हमने ए बी फाइंड करना है तो इट्स मीन कि हम ए और बी जो दोनों मैट्रिसेस हमारे पास गिवन हैं हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐसे लिख लेंगे। -3 -5 और सेकेंड रो -1 4 in 5 1 3 and -4। और इसके साथ जो सेकेंड मैट्रिक्स हमें बी गिवन है बी की वैल्यू -1 3 5 1 -3 -5 -1 3 and 3। ये दोनों मैट्रिसेस की हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसमें तरीका कर ये कि हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? कि ये जो फर्स्ट रो है फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ यूं मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो देखिए आप गौर से। हम फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 2 को -1 से करेंगे तो इट विल बी -2 प्लस। इसके बाद जो सेकेंड एलिमेंट है फर्स्ट रो का उसके फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी -3 प्लस। इसके बाद जो इसका इस रो का लास्ट एलिमेंट है हम इस कॉलम के लास्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +5 होगा। वी विल पुट ओवर हेयर, ये फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी फर्स्ट रो को हमने सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 को अगर हम 3 से करेंगे तो इट विल बी 6 प्लस। -3 को -3 से करेंगे तो इट विल बी +9। -5 को +3 के साथ करेंगे तो इट विल बी -15। -15 अगर ये नेगेटिव है तो फिर इसके साथ नेगेटिव साइन है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा माइनस का 15। ये सेकंड एलिमेंट बन गया फर्स्ट रो का। कंसीक्वेंटली फिर इसी फर्स्ट रो को आपने थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। थर्ड कॉलम से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज 2 5s are 10 प्लस। -3 को -5 से तो इट विल बी 15 और फिर -5 को इसके साथ +3 के साथ तो ये फिर होगा क्या माइनस का 15 और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे यूँ। ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीट होगी। अब इसके बाद यहाँ से सेकेंड रो स्टार्ट होगी। अब सेकेंड रो को हमने सबसे पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अगर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी +1 प्लस। हम 4 को इसी तरह 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s are 4 होगा। 5 को हम -1 से करेंगे तो ये होगा माइनस का 5। चूंकि ये नेगेटिव का है तो इसको पहले हम ब्रैकेट में लिखेंगे ताकि बाद में सेटल हो। इसके बाद सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें। -1 को 3 के साथ करेंगे तो इट विल गिव अस रिजल्ट -3 एंड 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ तो ये बनेगा माइनस का 12। और इसी तरह 5 को अगर हम 3 से करते हैं तो प्लस ये होगा 15। अब फिर इसी सेकेंड रो को हम थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। -1 को 5 से करेंगे तो ये बनेगा -5
और 4 को अगर हम 5 से करेंगे माइनस 5 से, तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज माइनस का 20। और फिर 5 को अगर हम 3 से करें तो ये बनेगा प्लस 15 हमारे पास, ठीक है। अब इस तरह थर्ड रो स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड रो को भी हमने सेम इसी तरह हमने तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना और तीन एलिमेंट्स बनेंगे। 1 को अगर हम माइनस 1 से करते हैं तो इट विल बी माइनस 1, और 3 को अगर हम 1 से करते हैं तो इट विल बी प्लस 3, एंड प्लस माइनस 4 को अगर आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस का 4 होगा यहाँ पे। इसके बाद इसी थर्ड रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बनेगा इस रो का। 1 को 3 के साथ तो 1 3 3 होता है, और 3 को माइनस 3 के साथ होगा तो ये माइनस 9 कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी माइनस 12। सेकंड एलिमेंट इस रो का कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने थर्ड कॉलम से इसको थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 5 से करेंगे तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज 5, और 3 को माइनस 5 से करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास माइनस 15। प्लस इसके बाद माइनस 4 को अगर हम 3 के साथ करते हैं तो इट विल बी माइनस 12, ठीक है। इनको हम क्या कर देंगे यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, सारे एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ये है माइनस 2 है, माइनस 3 है, प्लस 5 है, तो माइनस 2 और माइनस 3 मिलके माइनस का 5 बनेगा और ये प्लस का 5 है, तो यहाँ पे एलिमेंट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आ जाएगा 0। इस तरह यहाँ पे 6 और 9 को प्लस करें तो 15 होगा, और ये माइनस का 15 है, तो दोनों सेटल होके आपस में बाकी क्या बचेगा हमारे पास 0 आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे अगर हम आकर देखें तो यहाँ पे 10 प्लस 15 माइनस 15 है, तो 15 तो 15 के साथ सेटल हो गया, बाकी 10 बचेगा हमारे पास तीसरा एलिमेंट। और इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पे तो 1 प्लस 4 माइनस 5, तो 5 प्लस का 5 माइनस का ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे। माइनस 3 माइनस 12 प्लस 15, यानी माइनस का 15 और माइनस का प्लस का 15 आपस में क्या हो जाएगा 0। इस तरह अगर यहाँ पे आते हैं माइनस 5 माइनस 20, तो माइनस का 25 और प्लस का 15 है, तो माइनस का 10 विल लेफ्ट ओवर हियर। यहाँ पे अगर हम आए तो माइनस 1 प्लस 7 बन रहा है, तो आंसर यहाँ पे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 6 आएगा। और 3 माइनस 9 माइनस 12 है, तो ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी। 12 में 9 ऐड होकर 21 होगा, 21 में से 3 जो पॉजिटिव है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम 21 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इट विल गिव अस रिजल्ट एज 18, माइनस 18, ओके। और लास्ट में ये जो है 5 माइनस 15 माइनस 12, देखो ये दोनों नेगेटिव हैं, 12 भी और 15 भी, तो ये 27 हो जाएगा, माइनस का 27 हो जाएगा, प्लस का 5 27 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का 22 विल लेफ्ट। तो दिस इज द कंसीक्वेंट मैट्रिक्स जो कि आफ्टर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ अबव मैट्रिसेस आई है हमारे पास ये, ठीक है। इन सब को सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है। दिस इज द आंसर ऑफ ए बी, राइट। तो इस तरह हम 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम इस तरह मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।